बढ़ते हैं यहां से अपनी अगली खबर की तरफ, जो निकल के सामने आ रही है खाद की यानी फर्टिलाइजर की। तो आपको बता दें कि रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने दावा किया है कि आगामी खरीफ सत्र में महत्वपूर्ण उर्वरकों की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने मंगलवार को कहा कि सरकार ने पहले ही पर्याप्त मात्रा में डीएपी आपूर्ति का इंतजाम कर रखा है तथा पोटाश एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों के आयात के लिए जॉर्डन के साथ दीर्घकालिक समझौता भी किया गया है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह भारत और जॉर्डन की कंपनियों के बीच डीएपी बनाने में इस्तेमाल होने वाले 30 लाख टन रॉक फॉस्फेट, 3 लाख टन पोटाश, लगभग 2.5 लाख टन डीएपी और 1 लाख टन फॉस्फेरिक एसिड की वार्षिक आपूर्ति अगले 5 साल तक करने के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने बहुत पहले से खरीफ सत्र के लिए आवश्यक 30% डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी का इंतजाम कर लिया था और कंपनियों से वैश्विक बाजार से उच्च दरों पर खरीदारी नहीं करने को भी कहा गया था। मंत्री जी का दावा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में कमी आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी का दाम $1,030 प्रति टन से घटकर अब $920 प्रति टन रह गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर उर्वरक का संकट है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उर्वरक आयातक देश भी है और उसे कम दरों पर आपूर्ति मिलनी ही चाहिए। कई देशों में तो उर्वरक को राशन की तरह वितरित किया जाता है। उनका कहना है कि हमने ऐसा नहीं किया है, हमने खरीफ सत्र में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख उर्वरकों की अग्रिम खरीद की है। तो जिस हिसाब से उर्वरक मंत्री कह रहे हैं कि खरीफ सीजन में खाद की कोई किल्लत नहीं होगी, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि जो सरकार है उसने पहले से ही तैयारी कर ली है खरीफ सीजन की खाद के लिए। लेकिन अब ये वक्त ही बताएगा कि खाद कितनी उपलब्ध है और कितना किसानों को यहाँ से माल मिल रहा है।